हेलो हेलो हेलो, कैसे हो अलाइनमेंट ऑफ फैमिली। उम्मीद करता हूँ कल का दिन वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आई एम सो सॉरी, आज 1.5 घंटा लेट। रात को थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि एडिटिंग करनी थी, कुछ RSS फीड्स डालने थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ताकि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं मिल पाऊँ। अभी फ़िलहाल ये पॉडकास्ट अवेलेबल है iTunes पर, Spotify और गूगल पॉडकास्ट पर। धीरे धीरे ये आपको अवेलेबल हो जाएगा गाना, जियो सावन और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे भी। और गुड न्यूज़ है कि कुकू FM पर भी हम लाइव हो चुके हैं। सो विद दिस गुड न्यूज़, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ पॉडकास्ट। आज कंटिन्यू करेंगे अगेन जो हमारी कहानी चल रही थी कल। जैसा कि हमने बताया कि 2016 के बाद कहानी कितनी मज़ेदार रही, 2 साल लगभग उस कंपनी में, उस MNC कंपनी में काम करके कैसे लग्जरी लाइफ चल रही थी। हर महीने बाहर लंच करना, 3 महीने पर डिनर करना, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट इट वॉज जस्ट कि या तो आप सिर्फ और सिर्फ लग्जरी लाइफ ले लो या फिर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखो। तो दोनों में से एक चीज़ को डिसाइड करना था, तो मैंने अगेन एक डिसीजन लिया। हालांकि मेरे पॉडकास्ट अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप अब तक ये तो समझ चुके होंगे कि डिसीजन लेना कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए आदत सी बन गया। आदत कहो या मजबूरी कहो, अगर लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में उस मुकाम पे पहुंचना है जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, तो दोस्त डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। और जितना जल्दी ले लो, जितना समय रहते ले लो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्योंकि कल जितना ज़्यादा आप लेट करते जाओगे डिसीजन लेने में, उतनी ज़्यादा परेशानी, और सामने जो लोग हैं उस डिसीजन के अगेंस्ट आने वाले वो भी बढ़ते जाएंगे। तो दोस्त जो भी डिसीजन लेना है लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, सही और गलत सब कुछ सोच समझ के करो। और एक बार जब डिसीजन ले लिया तो फिर उससे पीछे मत हटो। देखो बात यह है कि जब हम डिसीजन लेते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी ये है कि उस सिचुएशन पे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए, क्या बेस्ट हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। ना कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप 5 साल 10 साल बाद मुड़कर पीछे देखो और अपने आप से कंप्लेन करो कि यार इसकी जगह वो कर लिया होता, उसकी जगह ये कर लिया होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 5 साल 10 साल बाद जो आप सिचुएशन ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो आप देख पा रहे हो, वो उस टाइम जब आप डिसीजन ले रहे थे उस टाइम ना तो आपको कोई सलाह देने वाला था, ना ही आपको कोई बताने वाला था, और ना ही आप जानते थे कि आपका जो डिसीजन है उससे ज़िंदगी किस तरह बदल जाएगी। आप बस एक अजम्पशन लेकर के चलते हो, अपनी सिक्स सेंस के बल पे चलते हो और अपनी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे अपने फ्यूचर को डिसाइड करने की कोशिश करते हो। और सबसे बड़ी बात, गट फीलिंग जहाँ पे आए ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने भी वही किया। 2018 आते आते जैसा कि मैंने बताया था पिछले पॉडकास्ट में भी कि 2018 आते आते डिसीजन लेने का टाइम वापस आ गया। और इस बार का डिसीजन थोड़ा सा हार्श था। डिसीजन लेने में लेट किया, एक गलती ये हुई कि जब मुझे ऑन रोल किया जा रहा था तो शायद मुझे मना कर देना चाहिए था उसी टाइम पर। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये पता नहीं था कि ऑन रोल करने के टाइम पर जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो नहीं होगी, और वो भी मेरी ही गलती थी। वो भी ऑब्वियसली मेरी ही गलती थी क्योंकि मैंने ज़्यादा क्लियर किया नहीं। और जब टाइम आया तो पता चला कि कुछ और ही चीज़ें हो गई हैं। तो एक और सीख है आपके लिए दोस्त, अगर आप करियर के स्टार्टिंग में या करियर में 2-4 साल के एक्सपीरियंस के आसपास हो, तो आपको आपका ये दोस्त एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना सजेस्ट ज़रूर करेगा कि कभी भी फाइनेंशियल या करियर वाइज कोई डिसीजन लेना है ना, तो हमेशा क्लैरिफिकेशंस फर्स्ट प्लेस पे रखना। जो भी HR से डिस्कशन हो रहा है, जो भी आपके सीनियर से डिस्कशन हो रहा है, आपके मन में जो भी है लिख लेना एक रात पहले कि आपको जब कल डिस्कशन होगा तो ये 5 पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। जब तक क्लैरिफिकेशन ना मिले तब तक आगे मत बढ़ो। 5 में से 3 पे क्लैरिफिकेशन मिल गया, 2 पे नहीं मिला, उस सवाल को भले ही आप ज़्यादा और बेहतर तरीके से पूछो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लैरिफिकेशन लो। क्यों? क्योंकि बात यह है ना कि कल को जब आप डिसीजन लेते हो तो जो आपके फेवर में खड़े थे वही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले उनको टोका क्यों नहीं, राइट। खैर
अपनी कहानी भी कुछ ऐसी रही और अगेन रिजाइन बड़ा मजेदार है ये रिजाइन भी यार। एक्चुअली मतलब लोगों को मैंने देखा है 5-5, 6-6 साल एक कंपनी में रुके हुए, एंड ऐसा नहीं है कि मैं रुकना नहीं चाहता, कहीं पे मैं थमना नहीं चाहता, कहीं स्टेबल नहीं होना चाहता, ऑब्वियसली होना चाहता हूँ, बट एट नॉट एट द कॉस्ट कि मैं अपना फाइनेंशियल पूरा कुछ खराब करता चाहूँ। रीजन बीइंग कि वही मैंने बताया था ना कि आपकी जो सैलरी है वो आपके एक्सपीरियंस का मिनिमम 1.5 गुना तो होनी ही चाहिए, तभी आप अज्यूम कर सकते हो कि आप कुछ ढंग का कमा रहे हो। और उस टाइम बेयरली मैं अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहा था और मुझे अपने फ्यूचर को भी देखना था, अपनी फैमिली को भी देखना था, तो ऑब्वियसली यार हर कोई ये डिसीजन लेगा, ठीक है। हाँ, एक गलती जो मैंने करी अपने करियर के स्टार्ट में कि मैं उस क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक गलती जो मैंने करी अपने करियर के स्टार्ट में वो ये रही कि मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया एक ऐसी कंपनी पे या एक ऐसी जगह पे जहाँ मुझे बहुत पहले रियलाइज़ हो चुका था कि ग्रोथ नहीं है। इट वाज जस्ट बिकॉज आई वाज सो मच कंफर्टेबल इन दैट कंपनी 2011 से 2015 तक कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे ग्रो करना चाहिए। कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला, कुछ अच्छे लोगों का गाइडेंस मिला, तब जाके कहीं रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ अब बढ़ना चाहिए। सो सेम चीज़ थी 2018 में अगेन, और फिर हमने उस लग्जरी लाइफ को छोड़ना सही समझा। रीज़न ये था कि मेरा जो ग्रोथ है फाइनेंशियल, जो मेरी ग्रोथ है कैरियर वाइज, वो कहीं ना कहीं रुक गई, तो रिज़ाइन किया। और थोड़ा टफ था डिसीजन इस बार, क्योंकि हर बार की तरह आप रिस्पेक्टफुली नहीं जा रहे थे, इस बार मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं धोखा देके जा रहा हूँ किसी को, ऑब्वियसली क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं ज़्यादा रुकता, मतलब 6 महीने कंप्लीट हो गए होते, तो फिर 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता, और 2 महीने के नोटिस पीरियड सर्व करने में फिर उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ऐसा था कि 2 महीने का नोटिस पीरियड के लिए कौन ही रुकेगा, ऐसा वैसा, जो कि एक मैच्योर्ड इंसान जैसे आज मैं अगर सोचूं तो उतना डर या उतना कुछ चिंताएँ नहीं हैं जितना कि पहले हुआ करती। बात यही है कि आपको जब तक कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, जब तक आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है, तब तक प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा एक सजेशन ये भी रहेगा आप लोगों को कि अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाता है, आपको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई मिलता है और वो आपको सही एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है, तो सुनो ज़रूर, समझो ज़रूर उस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एडवाइस को तुम मान लो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात पर तुम एग्री हो जाओ, बट हाँ एटलीस्ट तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि जिस मुकाम पे तुम खड़े हो उस मुकाम से सामने वाला होके गुजर चुका है, राइट। तो कोशिश करो कि ग्रो कर रहे हो अगर, तो एक मेंटोर ज़रूर हो तुम्हारी लाइफ में। मेरे लाइफ में मेंटोर रहे हैं हर मुकाम पे, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिला कहीं नहीं मिला, ये सब कुछ काफ़ी चलता रहा, बट हाँ मेंटोर्स बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। दूसरी सीख ये है कि यार टर्म्स ना अपने अच्छे बना के चलो, कभी पुरानी कंपनी में ना टर्म्स मत खराब कर देना। ये बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है कि लोग जब अपनी पुरानी कंपनी से निकलते हैं ना, तो ऐसा नाता तोड़ के निकलते हैं कि जैसे लगता है कि दुनिया में कभी दोबारा वो उनको शक्ल भी नहीं देखेंगे या उनसे मिलेंगे भी नहीं। भाई प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर है बहुत छोटा है, ठीक है, स्पेशली तुम अगर एक डोमेन में काम कर रहे हो तो वो डोमेन अपने आप में भी बहुत छोटा, कहीं ना कहीं फ्यूचर में हो सकता है तुम टकरा जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। तो कुछ ऐसा मत करना अपनी जॉब छोड़ते टाइम कि तुमको कल शर्मिंदा होना पड़े कि यार पहले जब जॉब छोड़ी थी तो मैंने तो बहुत बुरा भला कर दिया या फिर कुछ गड़बड़ कर दी, तो आज हो सकता है वो इंसान से तुम नजरें ना मिला पाओ। ऐसा कभी भी मत करना, हमेशा अपने टर्म्स अच्छे बना, और ख़ासतौर पर जब आप जॉब छोड़ के जा रहे हो तो सब कुछ पूरी तरह प्रोफेशनली करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पर्सनली हो जाओ तुम, पर्सनली तुम इमोशनल बातें करना शुरू कर दो, ये सब मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है, ये सब बेवकूफ़ियाँ याद आती हैं तो अपने आप पे लगता है कि ठीक है, बट यार आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि मैंने गलतियाँ करी, मैंने बेवकूफ़ियाँ करी। रीज़न वॉज दैट कि आई वॉज लर्निंग बाई माई सेल्फ, राइट, आई हैड नॉट इनफ एक्सपीरियंस, आई डिडंट हैव एनी इनफ बैकग्राउंड सपोर्ट और काइंड ऑफ मोरल सपोर्ट, बोथ,
राइट, क्योंकि लोग बताने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत थे, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन समझने वाले कम थे। ठीक है, मेरा जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सिचुएशन समझता था, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था कि उस टाइम पर कि दिल्ली में मेरे साथ उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। राइट, मेरा बैकग्राउंड जानता था, बट एक्चुअल कंडीशन जो आपकी है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आपसे बेहतर डिसीजन मेकिंग कोई नहीं कर सकता। हमेशा एनालाइज करो चीज़ों को, समझो, देखो, और उसके बाद ही आगे डिसीजन। वेल, रिज़ाइन हो गया 2018 अगस्त के आसपास ही था, शायद अगस्त या सितंबर, नहीं जुलाई के आसपास था, और अगस्त या सितंबर में मैंने ज्वाइन किया एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, पेटीएम, नाम आप सब जानते ही होंगे। तो पेटीएम के हेड ऑफिस में मैंने ज्वाइन किया, मेरे एक फ्रेंड ही थे काइंड ऑफ कि जिन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, और इंटरव्यू वगैरह भी मैंने अच्छे से पास आउट किया और सिलेक्शन हो गया वहाँ पर। और पेटीएम में ज्वाइन करके फिर मैंने बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस किया, वहाँ पर लोग अच्छे मिले, काफ़ी मॉरल सपोर्ट मिला। हाँ, डिफरेंसेस ज़रूर लगे कि यार MNC और इंडियन कंपनी, जो इंडियन नहीं कहूँगा मैं, MNCs और स्टार्टअप्स का जो डिफरेंस है वो सामने देखने को मिला, बट ठीक है, आप उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि डिसीजन आपका ही है। राइट, तो एक और लेसन है आपके लिए ये कि एक बार डिसीजन ले लिया ना दोस्त, तो उसके बाद अपने आप से कंप्लेन नहीं करना, अपने आप को हमेशा प्राउड फील कराने की कोशिश करना। डिसीजन ले लिया तो डिसीजन लेने के पहले जितना सोचना है समझना है सोच समझ लो यार, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद फिर 1% भी अपने आप को इस डाउट में मत डालना कि तुमसे कुछ गलती हो गई है। हमेशा अपने आप को कोशिश करना प्राउड फील कराने की, यार जो डिसीजन लिया ना भाई बहुत सही लिया, इसके आगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि उस डिसीजन को सही प्रूफ करके रखोगे, तब तो कोई बात है ना। तो ये कहानी रही। खैर, 2018 आते आते एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ ये भी हुई थी कि मैं किताबें पढ़ना शुरू कर चुका था, एंड टू बी ऑनेस्ट, ये जो रिज़ाइन किया 2018 में मैंने, या फिर 2016 से 18 के बीच में मेरा जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन राइट, जो इवोल्यूशन हुआ मेरा 2016 से 18 के बीच में, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन किताबों का। एक किताब मेरे हाथ आई थी 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक किताब उससे पहले मैंने पढ़ी थी, किताब थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, वो किताब इतनी बेहतरीन थी ना, मेरा एक्चुअली जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहीं पे ये बीटेक पास आउट लड़के गेट की प्रिपरेशन करते थे, तो उन्हीं में से एक बच्चे के पास में वो किताब मैंने देखी थी, बहुत पुरानी सी, कवर फटा हुआ सा था, बट मैंने नाम सुन रखा था उस किताब का, तो मैंने बस ऐसे ही उसके रूम से उठा के ले आया और पढ़ना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी, उसके लिए इतना एडिक्शन हो गया मुझे उस किताब के लिए कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे अपने आप पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है और हम एक्चुअली कितना लिमिटेड तरीके से उसको यूज़ कर पाते हैं। ये सब कहानियाँ कभी किसी अलग पॉडकास्ट में आपको ज़रूर बताऊँगा मैं कि कैसे किताबों से आप सीख सकते हो, कैसे किताबें पढ़ना ज़रूरी है, और किताबों ने कैसे मेरी लाइफ की हेल्प करी। सो वेल, पेटीएम ज्वाइन किया, पेटीएम में बड़ा अच्छा चल रहा था सारा कुछ, काम था, सीख रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, स्टार्टअप कल्चर देख रहे थे कि MNC और स्टार्टअप में कैसा डिफरेंस होता है, और कंफर्ट के मामले में कहो तो कंफर्ट बहुत ज़्यादा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि गुड़गांव साइड में मैं रह रहा था, मुंडका, और वहाँ से घिटौरनी रह रहा था, और वहाँ से मुझे ट्रैवल करना होता था नोएडा की तरफ। बट सोच ही रहा था, प्लान कर रहा था कि ठीक है यार नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे, बट मुझे याद था वो पहले का एक्सपीरियंस जब मैं 2015 में आया था और मेरे बाल इतना ज़्यादा गिरने लगे थे, इतना ज़्यादा मेरा हेल्थ डिग्रेड हुआ था वहाँ पर कि मुझे वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। जो लोग नोएडा से हैं वो ज़रूर बताएंगे, समझेंगे ये चीज़ कि वहाँ का पानी इतना ख़राब है, इतना खारा पानी है कि आपके बाल तो नहीं रहने वाले दोस्त, आप टकले हो जाओगे। ये फैक्ट है और इस बात का मुझे डर लगता था, तो ये सोच करके मैं नोएडा वापस शिफ्ट नहीं करना चाह रहा था, बट ठीक है,
वो ट्रैवल जो 2 घंटे का था तो उसको यूटिलाइज करना शुरू किया। अगेन मैंने बताया ना किताबों का एडिक्शन लग चुका था, तो 2 घंटे लगभग मेट्रो में जाने में लगता था, 2 घंटे लगभग आने में, तो वो 4 घंटे में से लगभग 3 घंटे बहुत प्रिसाइसली, बहुत ही फोकस तरीके से मैं किताब पढ़ता था। मैंने लगभग उस 5-6 महीने के टेन्योर में कम से कम 3-4 किताबें ख़त्म कर दी थी पढ़ पढ़ के, और सारी किताबें एक से एक थी। तो यही एक लेसन ही है यार कि जो खाली टाइम है आप कितना बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाते हो। और मेट्रो में थे, ट्रैवल कर रहे थे और अंडरग्राउंड जा रही है, ऊपर जा रही है, तो कभी कभी नेटवर्क आएगा जाएगा, ये सब प्रॉब्लम बना रहता था। तो बेस्ट पार्ट वॉज कि यार कुछ किताब वताब पकड़ लो, पढ़ते रहो और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये रहा। और टर्निंग पॉइंट की मेरे लाइफ में कोई कमी है नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो 2018 में ज्वाइन किया और कुछ ही टाइम चल पाई ये कहानी। और कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि इस बार मेरा डिसीजन नहीं था दोस्तों, ये बस कह लो कुदरत थी या किस्मत थी कि जो भी मेरे साथ आगे हुआ, जिसने अगेन मुझे इतना ज़्यादा बदलने पे मजबूर किया, मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस लेके आए, काफ़ी कुछ हुआ। मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ 0 से 1, 1 से 2, 2 से 10, 20, 50 पे जा रही हो और अचानक से आप वापस से 0 हो जाओ, आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, सब कुछ खत्म कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि नहीं अब तुमको वापस से शुरू करना है। ऐसा लगा 2019 की शुरुआत में कि अब तो सब कुछ खत्म है। ऐसा रहा कुछ, ऐसा हुआ कुछ कि 2019 मेरी लाइफ के लिए अगेन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना और मुझे वापस से सब कुछ शुरू करना था। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे अगले पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए अपने कुछ मज़ेदार किस्से भी शेयर करूँगा, अपने ज़िंदगी में जो मेरा कैरियर में ग्रोथ हुई, जो कैरियर में डिसीजन लेके चेंजेस किए वो तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ आपके साथ। और अब धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ लोगों के बारे में जो मेरे लाइफ में आए, कोशिश करूँगा कुछ लोगों का इंटरव्यू ले पाऊँ, कुछ लोगों को आपसे मिलवा पाऊँ, सुनवा पाऊँ आपको उनकी बातें। और कोशिश रहेगी कि कुछ लाइफ चेंजिंग पर्सन्स जो मेरे लाइफ में आए उनके बारे में भी बताया जाए। टिल देन अपना ध्यान रखिए, करियर में ग्रोथ कर रहे हैं तो करते रहिए, डिसीजंस ज़रूर लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, और एक बार डिसीजन ले लिया तो अपने आप को प्राउड फील कराइए। टिल देन हैव अ हैप्पी वीक स्टार्ट, क्योंकि मंडे है तो आप सबका ऑफिस स्टार्ट हो चुका होगा। सो एंजॉय करिए, ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हम अलाइनमेंटर के नाम से हर जगह हैं, आप जाकर के फॉलो करिए हमें, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कुकू FM पर हैं, स्पॉटिफाई पर हैं, आप जहाँ भी हमको ढूंढ पाते हैं ढूंढिए और सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।